किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो की जानकारी है कंबाइन मशीन पर आप ट्रैक्टर को लगाकर कैसे चला सकते हैं, और हमारे साथ सर हैं जो कि आज आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, जो हमारे किसान भाई है, आप उन्हें एक अपना छोटा सा परिचय दें और अपनी कंपनी के बारे में बताएं। सर, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं पनेसर एग्रोटेक में कंट्रेड हूँ। मार्केटिंग सेल सारा ओवरऑल मैं ही देख रहा हूँ जी। और बेसिकली आपने जो चीज़ें पूछी हैं अभी, किसानों को आगे कैसे बढ़ा जाए और ट्रैक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मल्टी क्रॉप जो न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनें आ रही हैं जी, तो उसके लिए मैं आपको आज जानकारी देता हूँ। पहले हम ये ट्रैक्टर वाली मशीन से स्टार्टअप कर लेते हैं। ये सर हमारी ट्रैक्टर वाली मशीन है सर, और इसके ऊपर TND इसको मशीन को बोला जाता है। इसका मॉडल नेम है TND 900 मॉडल है ये जी। और इस पर जो इसके जो बॉडी साइज़ दिया गया है, इसका 46 इंच का बॉडी साइज़ है, और इसमें 12 फिट कटर आ जाता है जी। और आप इसकी फिनिशिंग क्वालिटी आप सारा चेक कर ही रहे होंगे। इसमें PU पेंट क्वालिटी है सभी जगह पे, और ओवरऑल सभी जगह NBC के बैरिंग दिए गए हैं हमारे। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं, आपने इस मशीन को ट्रैक्टर के ऊपर फिट कर रखा है, यानी कि इस मशीन को किसान भाई लेता है तो उसका खर्च कम होगा अगर मेन कंबाइंड मशीन से। हाँ, और इसका 0% मेंटेनेंस है सर। बेसिकली क्या है, इसका क्या, एक तो मेंटेनेंस कम है, और इसका एरिया ज़्यादा कवर करती है, और इसका स्पीड मल्टी क्रॉप है। और मल्टी क्रॉप ये सारी मशीनें, मतलब जो ये वाली मशीन है जी, इसमें सर सभी तरह की आप खेती काट सकते हो जी, और सभी तरह का क्रॉप करती है ये। और बेसिकली आपको इसकी मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, आप आइए इधर साइड में। तो इसमें क्या है, साथ साथ में सभी जगह पे NBC के बैरिंग दिए हुए हैं जी सर। सर, हम यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं। हाँ, जो ट्रैक्टर लगा हुआ है उसमें दोनों टायर नहीं है। हाँ, और आपकी इस मशीन में हमने आगे भी टायर देखे और पीछे भी, क्या दोनों टायर में ट्रैक्टर के ही हैं इसमें? नहीं नहीं सर, जो ये ट्रैक्टर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, उन्हीं की पुलियाँ बनती हैं, और ट्रैक्टर के ही टायर इनमें अटैच किए जाते हैं हार्वेस्टर में। हाँ, और ओवरऑल आप चेक कर ही रहे होगे, पेंट क्वालिटी भी इसकी ओवरऑल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें सर PU पेंट क्वालिटी की गई है। ये सर जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल सभी जगह पे हमने NBC के बैरिंग यूज़ किए गए हैं जी, और इनकी शावटें भी फुली हैवी ड्यूटी हमने डाल रखी हैं इसमें, क्योंकि किसान जो सुविधा चाहता है कि उनको फील्ड में भी अच्छा रिस्पांस मिले और लॉन्ग टाइम हार्वेस्टर चले, उसको हमने ध्यान में रखते हुए इसके सेफ्टी फीचर भी हमने सभी जगह पे लगा रखे हैं, और इसकी पेंट क्वालिटी और सारी हमने सारी चीज़ें इसके बीच अटैच की हुई हैं उस हिसाब से। ये एयर क्लीनर है सर इसका, यहाँ पर ये लगा हुआ है जिसमें, तो जैसे मान के चलो फील्ड पे चल रही है हार्वेस्टर जो गंदी हो जाती है, तो क्या है, ये किसान भाई इससे एयर क्लीनर से इसको साफ कर सकते हैं सर। ये प्रेशर बना के? हाँ, ये प्रेशर वाली एयर क्लीनर है सर जी। सर, और आप आगे आएंगे तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसके बेड फ्रेम झारने हैं, जैसे अदर हार्वेस्टर होती हैं सर, तो उनके क्या है 84 इंच के होते हैं झारने, बेड फ्रेम झारने जो ये वाले होते हैं, तो अपने ये 90 इंच के हैं, 6 इंच बड़े हैं सर, और एडजस्टेबल है, जिसके कारण इसकी सफाई ज़्यादा आती है, इसके दाने की टूट की प्रॉब्लम नहीं आती। अब स्टाफ वर्कर भी देख सकते हो, पूरे लॉन्ग है हमारे और बड़े, इसके कारण क्या है, दाने की सफाई आती है सर ज़्यादा। इसका मैं आपको कटर बार दिखा रहा हूँ सर, जो जिसके साथ जो फ्रंट में लगता है, ये सर कटर बार है इसका। आप फिनिशिंग क्वालिटी आप चेक कर ही रहे हो जी, और इसकी जो मान के चलिए सर, जो टाइम तक है, टाइम तक भी हम इसकी पाउडर कोटिंग में लगाते हैं सर, और इसमें सभी जगह आप चेक कर सकते हो, और इसका जो सेंटर में स्टेनलेस स्टील लगा रहता है सर। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी 12 फीट चौड़ाई है सर। और ये मशीन आपकी एक घंटे में कितना एरिया को कवर करती वो है? वो सर आपकी लैंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। बेसिकली ये मान के चलिए सर, एक घंटे में 4 एकड़ ये काट देती है। 4 एकड़ काट? हाँ, देती है। 3 से 4 एकड़ बड़े राम। और जो हमारे ये कंबाइन है, इसके अंदर हम कितना स्टॉक कर सकते हैं वो? सर, इसका जो ग्रेन टैंक है, ग्रेन टैंक इसका 14 क्विंटल का है, गेहूँ इसमें 14 क्विंटल आ जाती है। काफ़ी अच्छे से सफाई और साफ होके आती है। हाँ हाँ, बड़े आराम से सर। तो सर, दूसरा सवाल ये है, अगर किसान भाई इस मशीन को लेता है, उसके पास ट्रैक्टर कितने HP का होना ज़रूरी है? ये सर ऐसे मान के चलिए 45 HP से ऊपर जो भी ट्रैक्टर हो सर, बड़े आराम से बढ़िया चलते हैं और स्मूथली चलते हैं। हमें बेसिकली यही चीज़ें हमने नोट करके हमने इस मशीन को डिज़ाइन किया गया है, कि एक किसान को बढ़िया एवरेज और ट्रैक्टर के ऊपर भी लोड कम पड़े, बिल्कुल स्मूथली मशीन है सर, और फील्ड में भी अच्छा इसका रिस्पांस है, और 0% मेंटेनेंस है इसका। सर, क्या उसके पास जॉन डीयर का ट्रैक्टर होना है ज़रूरी है, या इससे अलग नहीं? कोई भी ट्रैक्टर हो सर, 45 HP का कोई भी ट्रैक्टर हो, 45 से ऊपर जो भी ट्रैक्टर होगा, इस पे ओवर बेस्ट चलता है सर, वो इसकी पुलियाँ मैच हो जाती हैं, उसी हिसाब से हम इसको मशीन को डिज़ाइन कर देते हैं। बात करते हैं इसके डीजल खपत की। हाँ, आपकी मशीन लेकर और इस ट्रैक्टर को लगाकर किसान का प्रति घंटे का जो डीजल खर्च है वो कितना होगा, कितने लीटर ये लेगा वो? सर ऐसे मान के चलिए सर, जैसे मान के चलो जो ये फील्ड पे होती है जब हार्वेस्टर ये वाली, तो इसका जो डीजल कंजप्शन है इसका, ऐसे मान के चलिए सर, वही 4 लीटर लेता है, 4 से 5 लीटर के बीच में एक घंटे में लेता है सर, और उसमें एरिया भी बढ़िया कवर हो जाता है, और कोई ज़्यादा हेडेक वाली बात भी नहीं होती। और एक बेसिकली जो आपको मैं बात बताता हूँ, ये बहुत रीजनेबल प्राइस में है हार्वेस्टर,
और जो ये किसान मेला लगा हुआ है मोहाली में जी, इसमें हमने डिस्काउंट के ऊपर भी इसके ऊपर रखा हुआ है। बेसिकली इसका जो प्राइस है 9,25,000 रुपये है, 9,25,000 मशीन का। हाँ, और अगर आज कोई बुकिंग करवाना चाहता है कोई कस्टमर, तो ये 8.5 लाख रुपए की हम बुकिंग कर रहे हैं इसकी जी, वो डिस्काउंट प्राइस है इसका। तो सर, अगर किसान के पास ट्रैक्टर फैला है और इस मशीन को लेना चाहे, क्या इस मशीन पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी अप्रूव्ड है? यस सर, ये अपना ऐसे मान के जाए छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी, बिहार, सभी जगह ये एम्पैनलमेंट है, और एमपी में भी एम्पैनलमेंट है। अगर किसी किसान को इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो खरीद सकता है बड़े आराम से, और वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे नंबर पर। ओवरऑल सारा मैं ही देख रहा हूँ जी, 9872680017 मेरा नंबर है, तो कभी भी वो एनी टाइम कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे सर। तो सर, आपने हमारे किसान भाइयों की एक बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, थैंक यू सर। किसान भाइयों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।